स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल नफीस हेल्थ में। दोस्तों कई बार हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे बॉडी को सुचारू रूप से इसको फंक्शन करने के लिए छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। विटामिंस, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, ग्लूकोज, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि गॉड ने हमारे बॉडी को, नेचर ने हमारे बॉडी को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है, इस तरह से बनाया कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाना, हमारा ऑर्गन ठीक से प्रॉपर काम न करना, हमारा डाइजेशन ठीक न रहना, कमजोरी, थकान लगा रहना, इसके अलावा हमारे हाथों पैरों में झुनझुनाहट सी होनी, ये सब समस्या अक्सर देखने को मिलती है अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ बात करने वाला हूं न्यूरोकाइंड प्लस आरएफ कैप्सूल के बारे में। दोस्तों ये जो न्यूरोकाइंड प्लस आरएफ कैप्सूल होती है, इसमें क्या सॉल्ट होते हैं, किस किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, साथ ही साथ इसके क्या बेनिफिट होते हैं और इसको लेने का सही तरीका क्या होता है और क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो कंप्लीट नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं इसके हम सॉल्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें जो पहला सॉल्ट होता है अल्फा लिपोइक एसिड होती है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें मिथाइल कोबालामिन होते हैं जिसको वाइटमिन B12 बोलते हैं, इसमें पायरिडॉक्सिन होती है जो कि वाइटमिन B6 होती है जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, साथ ही साथ दोस्तों इसमें फोलिक एसिड होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस कैप्सूल के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो इसका पहला बेनिफिट होता है अगर आपके बॉडी में कमजोरी रहती है या आपके हाथों पैरों में झुनझुनाहट सी होती है, टास पकड़ती है, आप उठते बैठते हैं तो सुन्नपन रहती है आपके हाथों पैरों में, या फिर आपके पैरों पे तलवे जो होते हैं वहां जलन होती है, या आपके पैरों के नीचे तलवे में ऐसा लगता है कोई नीडिल चुभ हो रहा है, इस तरह से चिलकन होती है, नीडिल टाइप गड़न होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है हाथ पैरों में तलवे में जलन होने की शिकायत जो होती है अक्सर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है, फोलिक एसिड विटामिन B6 की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस कैप्सूल का यूज करने से ये समस्या आपकी ठीक होती है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी में कमजोरी रहती है या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं या आपके मांसपेशियों में दर्द होती है, नसों में आपके दर्द होती है, ऐसी कंडीशन में इसका यूज आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट होता है दोस्तों डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसका यूज किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है, जब भी कोई पेशेंट होता है जो डायबिटिक का पेशेंट होता है जिसका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी में तार बिछे होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं सॉफ्ट लैंग्वेज में, तार का मतलब होता है नर्व होते हैं, हमारे बॉडी में नर्व बिछे होते हैं, तो ये नर्व जब होते हैं जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाता है, शुगर का मात्रा बढ़ जाती है, तो ये हमारे नर्व को क्या करते हैं, कंप्रेस करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूरोपैथी का पेन होती है। तो ऐसी कंडीशन में न्यूरोपैथी पेन में यानी कि नर्व पेन में इसका यूज किया जाता है। इस कैप्सूल के यूज करने से ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपके जो हाथों पैरों में झुंझुनाहट होती है, नर्व पेन होती है, या उठते बैठते हैं तो टास लगती है, या आपके हाथों पैरों में तलवे में जलन होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन फंक्शन को ठीक करता है, आपके बॉडी फंक्शन को ठीक करने में मदद करता है, आपके ब्रेन को फास्ट करता है, आपके मेमोरी को फास्ट करता है, साथ साथ आपके बॉडी में एनर्जी पैदा करने का काम करता है। दोस्तों अगर आपको आलस लगती है, कमजोरी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में इस न्यूरोकाइंड आरएफ प्लस कैप्सूल का आप यूज कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, ये इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। बात करें इस कैप्सूल के डोज के बारे में, तो एक कैप्सूल आपको सुबह में नाश्ते के बाद लेना होता है, कम से कम आप 10 से 15 दिन तक रेगुलर इस कैप्सूल का यूज करें, कम से कम आप इस कैप्सूल को 10 से 15 दिन तक रेगुलर यूज करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो दोस्तों इसका जो पहला साइड इफेक्ट होता है आपको मतली हो सकती है, पलटी हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, या आपको डायरिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों कैसी रही आज की ये वीडियो न्यूरोकाइंड प्लस आरएफ कैप्सूल के बारे में, आशा करता हूं कि वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय।